Hello and welcome to the 5.0 Research Center. My name is Mukesh Yadav and we are going to discuss about agriculture engineering. Agriculture engineering जो कि IBPS AFO के लिए very important part है. Around 5 to 8 questions पूछे जाते हैं जो कि within 15 to 20 lectures में cover होने वाला है. एज वेल हम बात करें प्री पी जी एग्जामिनेशन, नाबार्ड एग्जामिनेशन एंड RDO रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो PG लेवल के एग्जाम्स लगते हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है. तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम हिस्ट्री को कवर करेंगे एज वेल जो करंट कुछ करंट डेटा को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं. देन हमारा जो स्टेप होगा इंजन टाइप ऑफ इंजन ऑन द स्टॉक बेसिस ऑन डीजल बेसिस देन इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं डेयरी प्रोसेसिंग कंप्लीट सिलेबस को हम दैट मींस कंप्लीट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को कवर करने वाले हैं. एज वेल लास्ट पार्ट में हम फॉरेस्ट इंजीनियरिंग को भी कुछ पार्ट्स कवर करेंगे जो फॉरेस्टी के लिए जो कि आपको थंबनेल में क्लियर मेंशन किया हुआ होगा ये फॉरेस्ट्री के लिए है जो फॉरेस्ट मैंचुरेशन के लिए यूज किया जाता है. लेकिन फर्स्ट हम जो लेक्चर्स हैं वो IBPS AFO और नाबार्ड एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. फर्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें सो डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फर्स्ट वन एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन यूजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन इन लेसर टाइम इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. तो एग्जाम में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन तो नहीं होगी बल्कि आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं. देन फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन इंडिया. अगर हम फादर की बात करते हैं सो प्रोफेसर मैसन वॉक एट अलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. देखिए फर्स्ट टाइम जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था इन इंडिया में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया गया था इन इंडिया में विच वॉज इन 1960 प्रोफेसर वॉक द्वारा. स्टार्टिंग पहले हुआ था 1921 में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गए थे यूज करना इन एग्रीकल्चर सेक्टर. और जो फर्स्ट टाइम बात करें तो इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. लेकिन कंप्लीटली स्टार्ट की बात करते हैं जो या ट्रैक्टर की हम बात करते हैं तो वो 1960 है. 1960 में ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी कंप्लीट डेवलप हो चुकी थी इंडिया में. ट्रैक्टर डेवलप होने लग गए थे तो उसके बाद में हम इंजीनियरिंग को एक अलग सेगमेंट्स में एक्सप्लेन करते हैं. या फर्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर मैसन वॉग ने फर्स्ट टाइम इंडिया में. तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल की हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन वर्ल्ड तो भी प्रोफेसर मैघोन ही आएगा क्योंकि इन्होंने ये अमेरिकन है. अमेरिकन और इंडिया में आकर इन्होंने इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंटेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्ट किया था. सो अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट हु डेवलप फर्स्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका से थे उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था. सो ही स्टार्टेड इन 1921 एट इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. सेकेंड अगर नेम की बात करें स्वार्ट्स के नाम से जाना जाता है. स्वार्ट्स एस मीन्स सैम, एच मीन्स हिगिम बॉटम, यू मीन्स यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी साइंस. तो इसको स्वार्ट्स के नाम से और इट इज टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर ICAR. गॉट इट. इसका अलग से टेस्ट लगता है प्री पी जी वालों के लिए को पता ही होगा चाहे UG की बात करें प्री पी जी की बात करें. इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विच इज कॉल्ड ISAE वॉज एस्टैब्लिश इन 1968 IIT खड़गपुर. हेडक्वार्टर ऑफ ISAE
इन न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर की बात करें न्यू दिल्ली, अब बात यह आती है कि आई जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या काम करती है। सो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को डेटा, जो कितना डेटा डेवलपमेंट हुआ है या कितने डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, उन पे पब्लिश करना, डेटा पब्लिश करना आई SAE का काम होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रैक्टर इन इंडिया। इंडिया में अगर फर्स्ट ट्रैक्टर की बात करते हैं, आइसर गुड अर्थ, पर्सन का नाम क्या है, आइसर गुड अर्थ है। स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया इन 1962-1960 स्टार्टेड फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर। ये कह सकते हैं प्रेजेंट में आइसर ट्रैक्टर जो आते हैं वह फर्स्ट टाइम डेवलप किए गए थे। द पर्सन इज आइसर गुड अर्थ। गॉट इट। सो आपको आइसर गुड अर्थ के नाम से आइसर याद रहेगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें, देखिए ICR डेटा प्रोवाइड करवाता है, एज वेल एज जैसे हम बात करें वर्ल्ड बैंक डेटा प्रोवाइड करवाता है, अपना रिजर्व बैंक डेटा प्रोवाइड करवाता है, फ्यूचर जो पोजीशन का और फ्यूचर एस्टिमेशन के जो डेटास प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनके बेसिस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट टाइम बिफोर 5 to 7 ईयर ICR है प्रोवाइड डेटा ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर। सो हियर वी कैन सी ऑन 2032-40 फार्म पावर अवेलेबिलिटी पर हेक्टियर वॉज 1.84% फॉर किलोवाट पर हेक्टियर। पर हेक्टियर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो 2013 की बात कर रहे हैं, विच इज इंक्रीज फॉर जो बढ़ने वाली है, जो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी 4 किलोवाट पर हेक्टेयर बाय 2022 तक। 22 तक कितना हो जाएगा, 4 किलोवाट। गॉट इट। नाउ रिसेंटली जो अगर हम पब्लिश की बात करते हैं, डेटास की बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ICR 2020 इंडिया रिक्वायर्ड टोटल फार्म पावर 2 किलोवाट पर हेक्टेयर। प्रेजेंट की बात करें या रिसेंट डेटा की बात करते हैं, सो इंडिया रिक्वायर्ड 2 किलोवाट पर हेक्टेयर टू गेट और टू प्रोड्यूस 2300 किलोग्राम ग्रेन प्रोडक्शन। इंडिया में जितने पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन को हम फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं, कंप्लीट पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो कितना हमें प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको पर हेक्टेयर में डिवाइड कर दिया जाता है। पर हेक्टेयर में डिवाइडेशन के बाद में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पर हेक्टेयर। सो एनर्जी बेसिस पे अगर इसको काउंट किया गया, जब मेजर किया गया, तो पता चला कि 2 किलोवाट पर हेक्टेयर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर हमें 2300 किलोग्राम ग्रेन प्रोडक्शन करना है तो। और ये ग्रेन प्रोडक्शन किसके लिए करना है, प्रेजेंट की अराउंड 135 मिलियन पॉपुलेशन है उसके लिए। गॉट इट। नाउ अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये डेटा जो आपको दिया गया है, विच वॉज 2013-14 का डेटा है। गॉट इट। प्रेजेंट की बात यहाँ पे अभी भी नहीं की गई है, तो प्रेजेंट में ये 2020 में हमें रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा एस्टिमेशन है कि इतना रिक्वायरमेंट होगा या अपने आप इंक्रीज हो जाएगा डे बाय डे, जब फार्मर्स इम्प्लीमेंटेशन मशीनरीज जब परचेज करने लग जाएंगे इन दैट केस। गॉट इट। एट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, 2 किलोवाट पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट है, तो अवेलेबिलिटी कितनी है, 2013 और 14 में अवेलेबिलिटी 1.84 थी। प्रेजेंट की बात करें, सो प्रेजेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म पावर इज प्रेजेंट अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, 1.94 किलोवाट पर हेक्टेयर अवेलेबिलिटी है। प्रेजेंट अवेलेबिलिटी कितनी है, 1.94। प्लीज रिमेम्बर दिस। थर्ड वन, इन इन इंडिया स्मॉल मार्जिनल होल्डिंग टेकन टुगेदर अप टू
टुगेदर अप टू 2 हेक्टेयर्स जो फार्म होल्डिंग होती है, मान लीजिए जिस फार्मर के पास में 1 हेक्टेयर इससे लेस है वो मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आता है, जिसके पास में 1 to 2 हेक्टेयर लैंड अवेलेबल है या ओनर है उसका, इन दैट केस हु विल बी कॉल्ड स्मॉल फार्मर्स। अगर 2 से 4 हेक्टेयर है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, सेमी मीडियम के की कैटेगरी में आएगा। जब हम फार्म होल्डिंग को डिस्कस करेंगे तो उसमें बखूबी सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। फिर भी हम बात कर लेते हैं, सेमी मीडियम में 2 to 4 आएगा, और 4 to 10 हेक्टेयर होल्डिंग जिसके पास में है या हेक्टेयर लैंड है वो मीडियम की कैटेगरी में आएगा। एंड देन लार्ज फार्मर विल बी कॉल्ड मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड अवेलेबिलिटी। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। नाउ 86.2%, 86.20% 2015 और 16 के अगर डेटा की बात करें, सो फार्मर आर अंडर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। दैट मीन्स टोटल जो फार्मर है इंडिया में उसका 86% छोटे किसान, जो स्मॉल और मार्जिनल किसान है, स्मॉल और मार्जिनल किसान है। समझ में आया? नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट अगर इंडिया में बात करते हैं तो ट्रैक्टर का सबसे बड़ा मार्केट है। दैट मीन्स 50% ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में होती है। 50% मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? इंडिया में। और आउटसाइड इंडिया उसको क्या करता है, सेल आउट करता है। नाउ द स्टेट ऑफ फार्म पावर इन इंडिया की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट वन ह्यूमन पावर। स्टेट ऑफ फार्म पावर में फर्स्ट वन ह्यूमन पावर। ए स्ट्रॉन्ग मेंस पावर डज फार्म वर्क ऑफ 0.1 HP। अगर हम कन्वर्ट करते हैं एचपी को तो ये 75 वॉट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं फिर से नोट डाउन कर देता हूँ, 1 HP इक्वल होता है, 1 HP इक्वल होता है 746 वॉट। 746 क्या हो जाएगा, ये वॉट में हो जाएगा। अगर इसी को इक्वल हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा ना, ये अगर हम इसी को इक्वल करते हैं तो 7 0.0746 किलो वॉट में ये चला जाएगा, 740 किलो वॉट में चला जाएगा। नेक्स्ट जब हम लेक्चर्स में कैलकुलेट भी करेंगे हाउ टू मेजर या हाउ टू कंपैरिजन, हाउ टू चेंज 1 हेक्टेयर टू 1 किलोवाट या 1 HP टू 1 किलोवाट, 1 मैन पावर कन्वर्ट इनटू केजी में, तो ये सब कैलकुलेशन हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एक साथ में कैलकुलेशन करके हम आगे मूव ऑन कर सकें। गॉट इट? एवरेज की अगर यहाँ पे बात करते हैं, 0.06 किलोवाट एंड एक मैन पावर, एवरेज मैन पावर, एंड वी कैन से 16 वॉट मैन पावर। ये 2017 में IBPS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IBPS AFO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन दिस वन और दैट वन ऑल्सो एक साथ में 2019 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं IBPS में। तो याद रखिएगा, इसको कन्वर्जन करवा के भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कितना हेक्टेयर 2 मैन 5 मैन टुगेदर, हाउ मच कैन प्रोड्यूस। सो प्लीज रिमेम्बर दिस, सो वन फीमेल कैन प्रोड्यूस 0.048 किलोवाट। वी कैन कन्वर्ट इट इंटू वॉट, देन 48 वॉट कैन बी प्रोड्यूस बाई ए वुमेन। एंड देन एवरेज पावर प्रोड्यूस बाई चिल्ड्रंस इज 0.030 किलोवाट, एंड इट कैन बी कन्वर्ट इंटू वॉट, दैट वुड बी 30 वॉट। गॉट इट? सो ये एक एवरेज ह्यूमन की पावर कैपेसिटी है, कितना पावर जनरेट कर सकता है। गॉट इट? नेक्स्ट वन एनिमल पावर। एनिमल द पावर विच इज प्रोड्यूस बाई और जनरेट बाई एनिमल्स, पर एनिमल और पेयर ऑफ बुलोक। एवरेज पेयर ऑफ बुलोक कैन प्रोड्यूस 1 HP पावर। गॉट इट? थर्ड नेक्स्ट वन,
एनिमल पावर इन परसेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी वेटेज, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एनिमल कितना पावर प्रोड्यूस कर सकता है। सो उसकी बात करते हैं, यहाँ पे बुलोक कैन प्रोड्यूस 10% ऑफ देयर बॉडी वेटेज, बफेलो कैन प्रोड्यूस 12% ऑफ देयर बॉडी वेटेज, कैमल कैन प्रोड्यूस 18% ऑफ देयर बॉडी वेटेज एंड डंकी कैन प्रोड्यूस 32% ऑफ देयर बॉडी वेटेज। जो डंकी का बॉडी का वेट होता है उसका 32%, मान लीजिए हम एक डोंकी जो है उसका वेट कितना मानते हैं, एवरेज 200 kg मानते हैं, कितना मानते हैं, 200 kg, गॉट इट। नाउ हाउ मच 32% ऑफ 200 kg, देन वी कैन कैलकुलेट 32 डिवाइड बाई 100, 32 डिवाइड बाई 100, देन वी कैन कट फ्रॉम 20 to 20 एंड रेस्ट 32 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को, 2 यहाँ बचा, 32 ये बचा हुआ है, देन 32 मल्टीप्लाई 2, देन व्हाट विल बी द आंसर, 64 kg। सो अगर हम बात करते हैं एक डोंकी जो 200 kg का है, तो 64 kg जो एनर्जी जनरेट कर सकता है, ठीक है, 62 kg एनर्जी जनरेट कर सकता है। अब हम 62 को कन्वर्ट कर सकते हैं वॉट में, एचपी में, किलोवाट में, तो उसके फॉर्मूले भी हम नेक्स्ट में जब कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक साथ में अगर हमने डिस्कस किया तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा, तो प्लीज़ यहाँ पे याद रखिए। अगर हम बात करते हैं कैसे कन्वर्जन करते हैं, केजी में कैसे कन्वर्जन करते हैं, देन यू कैन सी हाउ टू कन्वर्ट इन एचपी एंड वॉट एंड किलो वॉट ऑफ एनर्जी। देन मैकेनिकल एनर्जी, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बफेलो कितना परसेंट एनर्जी जनरेट कर सकता है, सो ये क्वेश्चंस यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे एओ की बात करें, डबल एओ की बात करें, एवरेज की बात करें, एनिमल कितना परसेंट, टू 10 to 15% एनर्जी जनरेट कर सकता है, ये एवरेज होता है। बट एग्जैक्ट अगर डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं। नाउ थर्ड वन, मैकेनिकल पावर विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट, देन थर्मल इफिशियंसी, पेट्रोल थर्मल इफिशियंसी इज 25 to 32% एंड डीजल इफिशियंसी इज 32-38%। सब कम हो गया, पेट्रोल का 25 to 32 हो गया और डीजल का 32 से 38% पावर उसका थर्मल इफिशियंसी हो गया, गॉट इट। सो दोनों का याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, फार्म पावर, फार्म में जो इंडिया में जितना भी फार्म एरिया है उसमें पावर जो अवेलेबल है वो किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेशन में अवेलेबिलिटी है, देन इफ वी टॉक अबाउट द पावर, देन परसेंटेज शेयर ऑफ पावर इज फर्स्ट वन थर्मल पावर इज 56%, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर विच इज प्रोड्यूस बाई हाइड्रो, दैट मीन्स वाटर, वाटर के द्वारा है जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की जाती है उसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कहते हैं, विच इज 36%, न्यूक्लियर पावर 16%, सो दिस इज द रेशियो। नेक्स्ट वन, एवरेज पेयर ऑफ ब्लॉक कैन प्रोड्यूस 1 HP पावर इट कैन बी कन्वर्ट इन टू वॉट, देन 746 वॉट, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वन पेयर ऑफ ब्लॉक कमांड 2 हेक्टेयर, देखिए एक पेयर अगर ब्लॉक है तो 2 हेक्टेयर के लिए इनफ है। 2 हेक्टेयर में हमें कल्टीवेशन करना हो, चाहे प्लाविंग करनी हो, सोविंग करनी हो, चाहे वॉट एवर जो उसको लेवलिंग करनी हो, तो टू वन पेयर ऑफ ब्लॉक कैन कमांड 2 हेक्टेयर लैंड पे। जिस फार्मर के पास में 2 हेक्टेयर लैंड है तो वो एक पेयर ऑफ ब्लॉक रख सकता है और उससे कल्टीवेशन कर सकता है। ये जनरल डेटा है, यहाँ मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, जब आईपीएस और नाबार्ड की बात करते हैं वो टेक्निकल डेटास पूछते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द रिफॉर्म ऑफ नाबार्ड। सो नाबार्ड की रिफॉर्म के बेसिस पे डेटा पूछे जाते हैं, वहां का डेटा चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। सो प्लीज रिमेम्बर, जब आप ये डेटा यूज करें, ये प्री पीजी एग्जाम्स या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन है, स्टेट एग्जाम्स, एंट्रेंस
एग्जाम्स, वहां पे आपको सिर्फ ये डेटा इन्वॉल्व करना है, इनको प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अगर आप आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हैं, नाबार्ड एग्जाम दे रहे हैं या अदर कोई टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे डेटा प्रीफर करता है या डेटा डिफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो टेक्निकल, ये ओल्ड डेटा है, ये हिस्टोरिकल डेटा है, आपकी यूनिवर्सिटीज बुक में मिलेगा, लेकिन नाबार्ड अलग से डेटा प्रोवाइड करवाता है, कम जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल, कम एरिया में कम एनर्जी में मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना, तो उसके बेसिस पे देयर विल बी डिफर डेटा। गॉट इट? सो सेकंड वी टॉक अबाउट पावर टीलर। 10 एचपी का पावर टीलर कैन कमांड 5 हेक्टेयर लैंड। अगर 10 एचपी का पावर टीलर है तो 5 हेक्टेयर के लिए इनफ है। देन ट्रैक्टर ऑफ 35 एचपी ट्रैक्टर कमांड कैन कमांड अबाउट 15 हेक्टेयर लैंड के लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आईबीपीएस में पूछा गया है, आईबीपीएस की अगर हम बात करते हैं एएफओ में, आईबीपीएस एएफओ में 2009 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, आई एम सॉरी। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे ओल्ड डेटाज के अकॉर्डिंग या यूनिवर्सिटीज के डेटाज में, तो आपको देखने को मिलेगा 15 हेक्टेयर के लिए एक 35 एचपी का ट्रैक्टर होर्स पावर जो जनरेट करता है, दैट्स इनफ। गॉट इट? बट वी टॉक अबाउट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिफॉर्म ऑफ नाबार्ड। सो आईबीपीएस में पूछा गया था नाबार्ड के रिफॉर्म के अनुसार कितना एचपी के लिए, वहां जो क्वेश्चंस की बात करते हैं, ऑन द रिफॉर्म ऑफ नाबार्ड 440 हेक्टेयर्स के लिए, 40 हेक्टेयर के लिए कितने एचपी के ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। सो व्हाट वुड बी द रिक्वायरमेंट फॉर 40 हेक्टेयर लैंड, 40 हेक्टेयर लैंड, अगर 40 हेक्टेयर की लैंड की बात करते हैं तो यहाँ 15 एचपी के लिए 35, 15 हेक्टेयर के लिए 35 एचपी का इनफ होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या कोई जिन लोगों ने नाबार्ड का डेटाज नहीं देखा होगा और वो आईबीपीएस में बैठ गया, तो वो क्या करेगा, 15 हेक्टेयर के लिए 35 एचपी है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, 15 से 15 का डिवाइड देगा 40 में, और जो डेटा आएगा वो 35 से मल्टीप्लाई करेगा, लगभग ये 50 और 60 के अराउंड एचपी चला जाएगा। दैट्स रॉन्ग, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि नाबार्ड कहता है कि 35 एचपी का ट्रैक्टर 40 हेक्टेयर के लिए इनफ होता है, 40 हेक्टेयर के लिए, और यूनिवर्सिटी के जो डेटाज कहते हैं कि 35 एचपी का ट्रैक्टर 15 हेक्टेयर के लिए ही काफी होता है, इससे ज्यादा अगर है जो फार्मर के पास में लैंड है, देन ही विल हैव टू बाई सेकेंड वन ट्रैक्टर। गॉट इट? सो ये डेटाज डिफर करते हैं और वही हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं किस एग्जाम के लिए कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट होता है। सो डेटाज की हम बात करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट फॉर मोर हेक्टेयर ऑफ लैंड के लिए, एंड देन ट्रैक्टर को कि जो डेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब कैलकुलेशन हम नेक्स्ट उस लेक्चर्स में करने वाले हैं। यहाँ हम जनरल हिस्ट्री की बात करते हैं, जो आपने बुक्स में देखी होगी, जो प्री पीजी एग्जाम्स के लिए, स्टेट एग्जामिनेशन के लिए इनफ होती है। अगर आपके एग्जाम में नाबार्ड के अकॉर्डिंग ना पूछा जाए तो आपको यही डेटा मेंशन करने हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। गॉट इट? अदरवाइज अगर नाबार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अलग से एक लेक्चर जिसमें नाबार्ड आपका स्पेशली डिनोट किया जाएगा और उसमें डेटा डिनोट किया जाएगा कौन कौन सा नाबार्ड की रिफॉर्म के अनुसार है, समझ गए। सो 1 एचपी इक्वल टू 0.75 किलोवाट और 750 वाट, यहाँ मैंने 746 होता है वाट होता है, इसको मैंने 150 रखा है, एक एवरेज डेटा रखा है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन जो करनी है, कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम ना हो, पॉइंट जो 4 का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता डेटाज में, और जो डेटाज एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में, वो बहुत वेरीज करते हैं, 5 पूछ लिया, 10 पूछेगा, 25 या 13 पूछेगा, तो वेरीज करते हैं वहाँ, पॉइंटों में डेटाज नहीं होते, इसलिए डोंट नॉट वेरी। जो भी यहाँ पे हमें एक बार याद रखना है डेटाज को फॉर कैलकुलेशन, तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी इससे, 750 वाट 0.75 किलो वाट ऑन 1 HP, दीज आर इक्वलिटी इन फॉर्मेट। नाउ हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब कौन सा ट्रैक्टर स्टैब्लिश हुआ, सो वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर इन विच फर्स्ट वन इज हिस्ट्री एट वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री की बात करें, फर्स्ट
1890 first tractor engine appear on record on patent issued by Gugg H. Harris of Chicago. Chicago से Gugg H. Harris ने फर्स्ट पेटेंट ट्रैक्टर, देखिए कोई भी अगर आप वैरायटीज या कोई भी मशीनरीज इनिशिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसके लिए एक पेटेंट लेना होता है, एक राइट्स लेने होते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से। मान लीजिए एग्रीकल्चर में कोई भी अगर वैरायटी डेवलप की जाती है तो आपको ICR से पेटेंट लेना होगा, उसका राइट्स लेना होगा, कोई दूसरा उसका राइट्स यूज ना करे। सो यहाँ पे अगर पेटेंट की बात करें, फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर निकाला कि मैंने ट्रैक्टर निकाला फर्स्ट टाइम पे, अब मैंने रिकॉर्ड मेरे नाम से रिकॉर्ड करवा लिया उसको, तो जॉर्ग एच हैरिस ने जो शिकागो के हैं उन्होंने सबसे पहला ट्रैक्टर निकाल कर उन्होंने पेटेंट इशू करवा लिया था। 1906 फर्स्ट गैसोलिन ट्रैक्टर वॉज इंट्रोड्यूस, 1906 में फर्स्ट गैसोलिन ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था। देन आफ्टर टू ईयर फर्स्ट विनिंग ट्रैक्टर ट्रायल वर यूज, विनिंग जो ट्रैक्टर का ट्रायल 1908 में यूज किया गया था। देन 1911 फर्स्ट ट्रैक्टर डेमोन्स्ट्रेशन वॉर हैड एच ओमाला नेब्रास्का में फर्स्ट ट्रैक्टर डेमोन्स्ट्रेशन वॉज हेल्ड। प्लीज रिमेंबर 1911 में पहला ट्रैक्टरों का डेमोन्स्ट्रेशन, आप वीडियोस में भी देखते होंगे ट्रैक्टरों का डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें प्रदर्शनी हम बोलते हैं, सो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था ओमाला में, विच इज प्रेजेंट इन नेब्रास्का। सो पहला डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ हुआ, नेब्रास्का में इन 1911 में। देन 1952-1990 पावर टेक ऑफ वॉज इंट्रोड्यूस, वॉट इज द मीन ऑफ पावर टेक, पीटीओ जिसको हम बोलते हैं, पीटीओ और पीटीओ का काम क्या होता है, ट्रैक्टर की जो एनर्जी होती है उससे हम थ्रेसर को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे थ्रेसर चलती है, या हम बोलते हैं पडलर जो घूमता है, तो पीछे एक रोड होती है जो राउंड मारती रहती है, जो घूमती रहती है, जिसको हम पीटीओ बोलते हैं। बैक साइड ऑफ द इंजन या ट्रैक्टर के बैक साइड में होती है, उसको क्या बोलते हैं, पावर टेक ऑफ, गॉट इट, विच वॉज स्टैब्लिश इन 1952-1999, इस ड्यूरेशन के बीच में स्टैब्लिश किया गया था, गॉट इट। देन 1922-1924 ऑल पर्पस ऑफ ट्रैक्टर वॉज डेवलप्ड। देन 1936-1937 डीजल इंजन एंड न्यूमेटिक टायर वॉज इंट्रोड्यूस, वॉट इज द मीन ऑफ फर्स्ट डीजल इंजन जो इंट्रोड्यूस की बात करें, स्टार्ट किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था इन वर्ल्ड लेवल पे, विच वॉज 1937, गॉट इट। एंड देन न्यूमेटिक टायर, जिस आज जो टायर यूज करते हैं जिनमें हवा भरी जाती है टायरों में, पहले टायर जो थे लोहे के टायर थे या लकड़ी के टायर यूज किया करते थे सबसे पहले, बट 1937 के बाद की बात करें तो एयर वाले टायर से, जो प्लास्टिक के रबड़ के जो टायर से यूज करते हैं, नॉट प्लास्टिक, रबड़ के टायर यूज करते हैं जिसमें हवा भरी जाती है, वह 1960 में स्टार्ट हुआ था, और डीजल इंजन और टायर दोनों एक साथ में 1936 से 37 में स्टार्ट किए गए थे, गॉट इट। इन 1952-1960 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीजल ट्रैक्टर, यहाँ पे डीजल इंजन स्टार्ट हुआ था कब, 1936 में, बट डीजल ट्रैक्टर 1952-60 में स्टार्ट हुए थे। प्लीज रिमेंबर, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, गॉट इट। चलिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेवलप ट्रैक्टर डेवलप इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर्स इन इंडिया। अगर हम बात करें, सो फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर वॉज स्टार्टेड इन 1960 से 61 में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई थी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, आइसर कंपनी के द्वारा, आइसर ट्रैक्टर, आइसर गुड अर्थ पर्सन के थ्रू, गॉट इट। सो देन आफ्टर 1961 में टैफे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड। अगर हम बात करते हैं, देखिए यह क्वेश्चन यहाँ से, ये भी क्वेश्चन, वे क्वेश्चन, यह क्वेश्चन और पिट्टी क्लोजकर, ये क्वेश्चन लास्ट 2 से 3 ईयर में पूछे गए हैं IBPS के द्वारा, IBPS AFO के द्वारा, ठीक है।
आईबीपीएस एएफओ में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आपको याद रखना है ट्रैक्टर में कौन सी कंपनी ने कब ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था। 1961 में गुजरात ट्रैक्टर, 1965 में महिंद्रा और महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया में या वर्ल्ड, इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग रैंक पे है, वर्ल्ड लेवल की बात करें तो भी महिंद्रा और महिंद्रा सबसे फर्स्ट पोजिशन में है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। गॉट इट? 50% ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड लेवल पे इंडिया करता है, उसमें भी महिंद्रा और महिंद्रा है। तो महिंद्रा और महिंद्रा ट्रैक्टर को सेल आउट करने में, इन एक्सपोर्ट करने में और बाहर की कंपनियों में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट रैंक पे है। फर्स्ट रैंक कौन सा है? महिंद्रा एंड महिंद्रा फर्स्ट रैंक पे। सेकंड रैंक की बात करें हम टैफे ट्रैक्टर, सेकंड रैंक की अगर हम बात करते हैं टैफे ट्रैक्टर, और थर्ड रैंक की बात करते हैं तो एस्कॉट ट्रैक्टर थर्ड रैंक पे आते हैं वर्ल्ड लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग में। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इंडिया से ट्रैक्टर एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 79,000 ट्रैक्टर, 79,000 ट्रैक्टर पर ईयर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर्स का। 79,000 ट्रैक्टर्स का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। देन 1973 में एचएमटी ट्रैक्टर्स ने स्टार्ट किया, फोर्ड ट्रैक्टर ने 1971 में, उससे 10 साल पहले टैफे ट्रैक्टर ने, 1963 में गुजरात ट्रैक्टर ने, 1965 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्टार्ट किया। देन 1974 में पिटी और क्लॉस्कर ट्रैक्टर ने, जो इंजन लोकल इंजन भी अभी आते हैं जिसको खेतों में यूज़ किया जाता है पावर लिफ्टअप के लिए। देन 1975 में हर्षा ट्रैक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। 1981 की बात करें तो ऑटो ट्रैक्टर्स ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। 1982 की बात करें सो यूनिवर्सल ट्रैक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कौन सा ट्रैक्टर हाइएस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, इंडिया की फर्स्ट रैंक है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। फर्स्ट महिंद्रा और महिंद्रा लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड लेवल पे भी महिंद्रा एंड महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट रैंक पे है। सेकंड में टैफे और थर्ड में एस्कॉट। गॉट इट? आपको अगर करंट की बात करें तो प्रेजेंट में एस्कॉट इको स्पॉट जो कंपनी है, एस्कॉट इको स्पॉट जो कंपनी है, उसने मैन्युफैक्चरिंग कार की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बिल्कुल बंद कर दिया है। नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए पार्ट्स अवेलेबल करवाएगी, सर्विस अवेलेबल करवाएगी, अदरवाइज अभी मैन्युफैक्चरिंग कार्स की मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया गया है और छोड़कर कंपनी इंडिया छोड़कर जाने वाली है। ट्रैक्टर्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कार्स की बात कर रहा हूँ, प्लीज रिमेम्बर। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ ट्रैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, स्ट्रक्चर दैट मीन्स उसकी बनावट, वो किस तरह से बनाया गया है, सो उसकी बनावट के बेसिस पे हम ट्रैक्टर को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वॉकिंग टाइप, फर्स्ट ट्रैक्टर की बात करें तो वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर पावर टीलर, जापान फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस, जापान इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस पावर टीलर। At the time when it was introduced, power tiller was introduced, the first power tiller was introduced or designed in Japan in 1947. जब भी देश आजाद हुआ था, अपना देश आजाद हुआ था, तब जापान ने पावर टीलर बना लिया था। ये इस तरह आप रिकॉल कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को, किसी भी ईयर्स को। देन 1960 में फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया में, इंडिया में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ था 1960 में, उसके 3 साल बाद में पावर टीलर यूज किया गया था। याद रखिएगा प्रेशर ऑफ टायर, अगर टायर, ये न्यूमेटिक टायर इसको बोला जाता है, जो हवा भरने वाले टायर होते हैं, इनके प्रेशर्स पूछ लिए जाते हैं, रियर टायर में कितना प्रेशर रखा जाता है और जो हम फ्रंट टायर में कितना प्रेशर रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पावर टीलर की बात करते हैं 1.1 to 1.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लीज रिमेम्बर दिस।
1.1 to 1.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पावर इसमें प्रेशर रखा जाता है, जिससे इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बेटर हो, ऑप्टिमम हो. गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड वर्किंग टाइप. वर्किंग टाइप क्यों कहा जाता है? पावर टिलर तो ठीक है, वर्किंग टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे ये पर्सन बैठा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा. अदरवाइज ये पैदल चलता है, इसके साथ साथ में इसको चलाना पड़ता है. ठीक है, ये चलता टायर से अपने आप है क्योंकि इसमें इंजन लगा होता है, लेकिन इसको घुमाने के लिए जो पावर लगाई जाती है वो पर्सन की रिक्वायरमेंट्स होती है चलते हुए. इसके लिए वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर इसको कहा जाता है. गॉट इट? सेकेंड वन ट्रैक्टर विच इज क्रेवलर टाइप ट्रैक्टर, चैन ट्रैक्टर और क्रैक ट्रैक्टर. देखिए, अब हम बात करते हैं चैन ट्रैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चैन लगी होती है, टायर नहीं होते न्यूमेटिक. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसमें चैन है, ये प्लास्टिक की चैन है. ठीक है, तो ये कहाँ यूज किया जाता है इसकी देखिए. सबसे फर्स्ट हम बात करें, सो 1940 में, सॉरी 1940 में फर्स्ट ट्रैक्टर लाया गया था, फर्स्ट क्रेवलर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर किया गया था. पहला अगर क्रेवलर ट्रैक्टर की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो 1940 में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी. अब हम बात करते हैं इंडिया की. इंडिया में 1940 में पहला क्रेवलर ट्रैक्टर लाया गया था, जिसको बाई किया गया था. किसके लिए? सोयल को लेवलिंग के लिए, जिसकी हम बात कर सकते हैं लैंड लेवलिंग के लिए इसको परचेज किया गया था. किसको? क्रेवलर ट्रैक्टर को. और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है. सेकंड हम बात करें तो कांस ग्रास ग्रास के लिए, कांस ग्रास को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस ट्रैक्टर को यूज किया था सबसे पहले 1940 में. ये हैवी ट्रैक्टर यूज किया गया था, क्रेवलर हैवी ट्रैक्टर. ये हैवी क्रेवलर ट्रैक्टर 1940 में इंडिया में लाकर लैंड डेवलपमेंट के लिए. और सेकंड हम बात करते हैं तो कांस ग्रास को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस ट्रैक्टर को यूज किया गया था. चलिए प्रेजेंट में यूज होने वाले ट्रैक्टर की शक्ल देख लेते हैं, क्या इसकी एफिशिएंसी है वो देखते हैं. बाकी इंजन के बारे में वो तो सेपरेट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. व्हील टाइप ऑफ ट्रैक्टर, व्हील टाइप क्योंकि इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, ये न्यूमेटिक व्हील्स हैं. आगे वाला इसको रियर व्हील्स, इसको फ्रंट व्हील बोलते हैं, बैक साइड का रियर व्हील्स बोलते हैं. इन्फ्लेशन प्रेशर की बात करते हैं व्हील्स में, तो आगे वाले जो व्हील्स की अगर सॉरी रियर व्हील की अगर हम बात करें तो 0.8 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर होता है. इस टायर का क्या होता है? प्रेशर होता है. इन्फ्लेशन प्रेशर अगर हम फ्रंट टायर की बात करते हैं तो 1.25 क्योंकि इसमें कम होता है. बैक वाले टायर्स में इन्फ्लेशन प्रेशर कम होता है, आगे वाले जो टायर्स होते हैं उसमें ज्यादा होता है. दैट मीन्स रियर टायर हैज लेस इन्फ्लेशन प्रेशर देन फ्रंट टायर हैज मोर इन्फ्लेशन प्रेशर, दैट इज 1.5 to 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए न्यूमेटिक टायर विच इज यूज टू ड्रो बार वर्कर्स, जिससे हम क्या करते हैं ड्रो बार के पर्पज से यूज करते हैं ट्रैक्टर को, तो उसकी टायर की लाइफ साइकिल क्या होती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है आईबीपीएस में. सो विच इज 6000 आवर्स, 6000 घंटे तक टायर चल सकता है. देखिए टेक्निकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन तो जनरली क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा. खेती कैसे करते हैं, वट एवर, कौन सी किस में क्या यूज करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब यूज करते हैं, इतना इजी क्वेश्चंस नहीं होते. वहाँ से कैलकुलेटिव फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं 50% और 50% इंस्ट्रूमेंट बेसिस क्वेश्चंस होते हैं. गॉट इट? सो 6000 आवर्स फॉर ड्रॉबोर यूज. ड्रॉबोर हमने बात किया, ड्रॉबोर जिससे हम कल्टीवेटर को खींचते हैं. यह आपको थोड़ा सा ब्लैक सा दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लिफ्ट बोला जाता है. जिस लिफ्ट का मतलब जिससे उठाना, कल्टीवेटर को उठाते हैं, या फिर थ्रेसर जिससे ज्वाइन की जाती है, वो क्या कहलाता है? ड्रॉबोर ही कहलाता है. सो ड्रॉबोर का मतलब होता है ट्रैक्टर खड़ा है, ज्यादा ट्रैक्टर उस टाइम पे चल रहा है, नॉट स्टैंडिंग कंडीशन. ट्रैक्टर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, लेकिन कल्टीवेशन के लिए या फिर
थ्रेसिंग के लिए, उसको खींचने के लिए, कल्टीवेशन को खींचने के, कल्टीवेटर को खींचने के लिए, हैरो को खींचने के लिए, प्लाउ को खींचने के लिए, गॉट इट? सो इन दिस कंडीशन द लाइफ साइकिल वुड बी 6,000 horses. अगर ट्रैक्टर खड़ा है और आपसे पूछा जाए कि ट्रैक्टर थ्रेसिंग के लिए यूज किया जा रहा है या सिर्फ मशीनरीज जो चक्की वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है, या अदर मशीनरीज के लिए जो पीटीओ के लिए यूज किया जा रहा है, या पीटीओ के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो ट्रैक्टर एक जगह पे खड़ा होगा, तो पावर एफिशिएंसी उसकी या पावर लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी किसकी, टायर्स की. गॉट इट? सो ये हुआ आज का अपना लेक्चर. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और ये वेरी हेल्पफुल है. जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के बेसिस पे फ्रेम किया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं छूटा जाएगा. मैं फिर से आपको याद दिला दूं, जो लेक्चर्स हम इंजीनियरिंग के कवर करेंगे, पहले 15 लेक्चर्स में इंजीनियरिंग कवर करने वाले हैं, उसके बाद में एमसीक्यूज भी हम 5 लेक्चर्स में एमसीक्यूज भी रखेंगे. इससे बाहर आईबीपीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता. जितने एग्रीकल्चर में बनने वाले हैं वो सबको हम यहाँ कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एज वेल. जितने क्वेश्चंस बनते हैं या जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में, तो सबको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए, आपको लेक्चर से आई होप अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिसको जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मोर वीडियोज आपको मिलेंगे. गॉट इट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.